बांसुरा का भी है ना। सांपदा दसिया का डोरा होली के ही दूसरे दिन यानी कि चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन सांपदा दसिया का डोरा लिया जाता है। कच्चे सूत के 16 तारों धागों का डोरा होली को दिखाकर 16 गांठें लगाकर रख लिया जाता है। इसे हल्दी की गांठ में रंगकर एक शुद्ध जगह पर गेहूं के आटे से चौक पूरकर एक पाटे पर जल भरे कलश के पास रखा जाता है। रोली से सतिया बनाया जाए तथा चावल चढ़ाया जाए। इसके बाद हाथ में 16 दाने जो के लेकर सांपदा माता की कथा सुनी जाए। कथा सुनने के बाद इस डोरे को गले में पहन लिया जाए। इस डोरे को बैसाख में वदी पक्ष में कोई शुभ दिवस सुनकर खोल लिया जाए। डोरा खोलने के दिन सांपदा माता का व्रत किया जाता है, कहानी सुनी जाती है। डोरा लेने के दिन 16 दाने जो के लिए जो लिए थे उन दानों को तथा दसिया के डोरे को हाथ में लेकर सूर्य भगवान को अर्घ देकर भोजन कर ले। सांपदा दसिया की कथा। अत्यंत प्राचीन काल में राजा नल नाम के एक प्रसिद्ध राजा थे। उनकी रानी का नाम दमयंती था। राजा नल का राज्य एक बड़ा राज्य था। उसमें अनेकों गांव तथा शहर सम्मिलित थे। एक दिन राजा नल की रानी दमयंती ने देखा कि उसके महल के पास ही बड़ी भीड़ लगी है। अपने महल के नीचे भीड़ देखकर रानी ने अपनी दासी को भेजा कि जाकर देख आओ कि किस वजह से भीड़ लगी है। दासी ने लौटकर रानी को बताया कि एक वृद्धा कच्चे 16 सूत का 16 गांठ लगा हल्दी से रंगा हुआ सांपदा माता का डोरा बांट रही है। जो कोई श्रद्धा प्रेम से इसको लेकर इसकी पूजा करके हाथ में 16 दाना जो के लेकर सांपदा माता की कथा सुनकर इसे अपने गले में पहनता है उसे खूब धन संपत्ति प्राप्त होती है। दासी द्वारा सारा वृतांत सुनकर रानी ने भी उस वृद्धा से सांपदा माता का डोरा मंगा कर पूजा करके तथा सांपदा दसिया की कथा सुनकर अपने गले में पहन लिया। राजा नल ने जब रानी के गले में हीरे मोतियों के बहुमूल्य कंठहारों के साथ उस डोरे को बंधा देखा तो उसने रानी से पूछा, ये डोरा किस प्रयोजन से आपने अपने गले में पहना है? राजा के पूछने पर रानी ने कहा, ये सांपदा माता का डोरा है। इससे धन तथा लक्ष्मी की वृद्धि होती है तथा सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। रानी की बात सुनकर राजा नल ने कहा, हमारे पास किस चीज की कमी नहीं है। हमारे कोषों खजानों में हीरो जवाहरातों की भरमार है। हमारे पास तो पूरा धन सौभाग्य है, हमें इस डोरी की क्या जरूरत? कहकर राजा ने रानी के गले से उस सांपदा दासिया के डोरे को निकाल कर फेंक दिया। उसी दिन सांपदा माता ने राजा नल को स्वप्न दिया और कहा, राजा नल, तुमने धन संपत्ति के घर में डोरा निकाल फेंका है, यह कार्य अच्छा नहीं किया। अब तुम्हारी धन संपत्ति मिट्टी और कोयले में बदल जाएगी। वास्तव में ऐसा ही हुआ भी। दूसरे दिन राजा नल ने देखा कि उनके खजाने के हीरे मोती कोयले तथा राख और पत्थर में बदल गए हैं। यह देखकर राजा रानी बहुत दुखी हुए। वे खाने पीने तक के लिए दुखी हो गए। इस पर राजा ने रानी को उसकी सहेलियों से मिलने भेजा। रानी सहेलियों के पास गई, सब प्रेम से रानी दमयंती से मिली, इधर उधर की बातें की, पर भोजन या जलपान के लिए किसी ने भी रानी को सत्कार नहीं किया। रानी ने लौटकर यह बात राजा को बताई। सुनकर राजा बड़ा चिंतित तथा उदास हुआ। कुछ ठहर कर राजा नल ने रानी दमयंती से कहा, अब हम विपत्ति में घिर चुके हैं, हम अपना राज्य छोड़कर कहीं अनंत चल देना चाहिए। यहाँ की देख रेख के लिए किसी ब्राह्मण पुत्री को छोड़ दिया जाए। रानी ने भी राजा की बात पर सहमति प्रकट की तो दोनों ही अपने महलों की देख रेख एक ब्राह्मणी पुत्री पर छोड़कर अनंत किसी दूसरे शहर के लिए चल पड़े। चलते चलते काफी दूर निकल जाने पर राजा रानी थक कर एक तालाब के किनारे रुक गए। राजा नल ने रानी दमयंती को एक तीतर देकर कहा, इसे पकाकर तैयार कीजिए, मैं स्नान करके आता हूँ। रानी ने तीतर पकाकर तैयार किया। जब दोनों पके हुए तीतर को खाने बैठे तो तीतर उड़ गया। दोनों देखते रह गए। यह देखकर दोनों वहां से उठकर आगे बढ़े, अपनी बहन के यहाँ अपना कुछ समय काटने के लिए जा पहुंचे। बहन ने दोनों को महल में ठहरा दिया तथा दोनों का सत्कार करने के लिए हीरे जवाहरा तथा मोतियों से भरा एक घड़ा लेकर जा पहुंची। उसने जैसे ही राजा रानी के सामने घड़ा खोला कि उसमें रखे सभी बहुमूल्य रत्न कोयले और राख में बदल गए। यह देखकर राजा रानी ने बहन से कहा, इस घड़े को तुम यहीं जमीन में गाड़ दो। इसके बाद राजा नल अपने मित्र एक अन्य राजा के यहाँ जा पहुंचे। उस राजा ने राजा नल को अपने एक महल में ठहरा दिया
और राजा की सारी हालत जानकर सहायता के विषय में सोचने लगा। उस राजा ने राजा नल तथा दमयंती को जिस महल में ठहराया था उस महल में एक खूंटी पर हीरो का बहुमूल्य 9 लाख हार टका था तथा दीवार पर एक सुंदर सा मोर बना हुआ था। जैसे ही राजा नल और दमयंती उस महल में पहुंचे कि दीवार पर बने मोर ने उस खूंटी पर रखे 9 लाख हार को निगल लिया। यह देखकर राजा नल ने अपनी रानी से कहा, हमारा समय खराब है, हमें यहाँ से भी चल देना चाहिए, नहीं तो हम पर चोरी का आरोप लग सकता है। इसके बाद दोनों ही राजा रानी अपने मित्र राजा को सूचित के बिना ही उसके यहाँ से चल आए। बाद में उस राजा को पता चला तो उसने कहा, राजा नल चोर तो नहीं है, पर समय बुरा होने के कारण वे निर्धन अवश्य हो गए हैं। कोई बात नहीं, हो सकता वे हमारा हार अपने साथ ले गए हों। वहाँ से निकलकर दोनों राजा रानी एक माली के यहाँ नौकरी करने जा पहुँचे। माली के यहाँ नल दमयंती के पहुँचते ही उसका 12 वर्षों से उजाड़ वीरान तथा सुनसान बाग फिर से हरा भरा हो गया। यह देखकर माली बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने दोनों से अपने यहाँ काम करने का आग्रह किया। इस पर रानी ने माली से कहा, मैं तुम्हारे यहाँ काम पर 4 काम नहीं करूँगी, दीपक नहीं जलाऊंगी, चारपाई नहीं बिछाऊंगी, बर्तन साफ नहीं करूँगी तथा चौथा काम यह कि कभी झाड़ू नहीं लगाऊंगी। रानी की चारों शर्तें माली ने मान ली। वह बोला, मुझे आपकी चारों शर्तें स्वीकार हैं, आप तो केवल फूलों की माला बनाना तथा मेरे यहाँ उपजी सब्जी बाजार में बेच आना। माली ने राजा को अपने बाग की रखवाली का काम सौंप दिया। एक दिन रानी बाजार में सब्जी बेचने गई। वहाँ खरीदने के लिए आई स्त्रियों से उसने सब्जी खरीदने के लिए कहा। इस पर उन स्त्रियों ने रानी से कहा, आप कुछ देर ठहर जाओ, पहले सांपदा माता की कथा सुन ले, तब खरीद करेंगे। उस स्त्रियों की बात सुनकर रानी बोली, पहले मैं भी सांपदा माता की कथा सुनती थी, एक दिन राजा ने मेरे गले से सांपदा माता का डोरा निकाल कर फेंक दिया, तभी से सांपदा माता मेरे ऊपर कुपित है। सांपदा माता का हम पर 12 वर्षों से कोप है, अगर सांपदा माता मेरे यहाँ आने की कृपा करें तो मैं सांपदा माता का डोरा ले लूँगी। इस पर सांपदा माता ने राजा नल को स्वप्न दिया कि रानी कल मेरा डोरा ले ले, फिर मैं आपके यहाँ आऊँगी और आप पहले जैसे ही धनी तथा वैभवशाली हो जाएंगे। दूसरे दिन ही रानी ने सांपदा माता का डोरा ले लिया तथा कथा सुनकर पूजा भी की। इसके बाद राजा रानी अपने राज्य के लिए चल पड़े। संपदा माता ने राजा को अपार धन दिया, साथ ही राजा को शरण लेने वाले माली को भी खूब धन दिया। राजा नल अपने मित्र के उसी महल में जाकर ठहर गए जहाँ वहाँ पहले ठहरे थे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि यह 9 लाख हार खूंटी पर टका है जिसे मोर निगल गया था। राजा ने वह हार खूंटी से उतार कर अपने मित्र राजा को दे दिया और कहा, यह लो अपना हार, खोया हार, ताकि मेरे सर हार गुम होने का कलंक दूर हो। इसके बाद राजा रानी अपनी बहन के यहाँ पहुँचे और पहले जमीन में गाड़े गए घड़े को खोद कर निकाला तथा उसे खोल कर देखा तो पाया कि उसमें हीरे मोती जवाहरात भरे हैं। उन्होंने वह घड़ा अपनी बहन को सौंप कर कहा, यह लो अपना हीरे मोतियों का घड़ा, अब हमारा समय अच्छा हो गया है। इसके बाद वे उस तालाब के पहुँचे जहाँ तीतर पकाया था। वहाँ उन्होंने देखा कि तीतर पका पकाया रखा है। तालाब से चलकर वे अपने राज्य में पहुँचे। राजा ने अपने महल में पहुंचकर पाया कि जो धन पहले राख और कोयला हो गया था वह सब फिर से धन में बदल गया है। ब्राह्मण की पुत्री अभी भी राजा के महल और धन की देखरेख कर रही थी। राजा ब्राह्मण की उस लड़की की कर्तव्य निष्ठा पर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उसे अपनी पुत्री मान लिया तथा उसका विवाह बड़ी धूमधाम और दान दहेज सहित कर दिया। ब्राह्मण पुत्री की राजा ने बहुत सा धन देकर उसको ससुराल विदा कर दिया। रानी दमयंती ने सांपदा माता का उद्यापन किया और आनंद रहने लगी। हे सांपदा माता, जैसे आपने राजा को धन दिया वैसे ही हम सबको भी देना तथा हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। सांपदा का उद्यापन। यदि किसी के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ हो अथवा पुत्र का विवाह हुआ हो तो सांपदा माता का उद्यापन करे। 16 जगह 4-4 पूड़ी सीरा, 1 साड़ी ब्लाउज और साड़ी ब्लाउज तियल और रुपये रखकर इस पर हाथ फेर कर अपनी सास को दे दे तथा सास के चरण स्पर्श कर उनका आशीष प्राप्त करे। 16 सौभाग्यवती ब्राह्मणियों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर प्रणाम कर आशीष लेकर उन्हें आदर सहित विदा करे। इस प्रकार संपदा का उद्यापन करे। इति संपदा माता की कहानी समाप्तम।